यूपी के श्रावस्ती में छात्राओं ने जिलाधिकारी को बांधी राखी। जिलाधिकारी ने छात्राओं के पैर छूकर लिए आशीर्वाद। रक्षाबंधन का त्यौहार सहज प्रेम और पारस्परिकता का प्रतीक बताए बोले जिलाधिकारी। बहन भाई के बीच स्नेह, अटूट विश्वास, अगाध प्रेम को समर्पित रक्षाबंधन पर्व से एक दिन बाद मंगलवार को जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी अपने कक्ष में जनता दर्शन के दौरान बैठे हुए थे, तभी सरस्वती शिशु मंदिर भिंगा की छात्राएं पहुंची और जिलाधिकारी के हाथों में बारी बारी से राखी बांधी। जिलाधिकारी को राखी बांधने के दौरान जिलाधिकारी ने छात्राओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने छात्राओं से उनका कुशल क्षेम जाना और प्रोत्साहन स्वरूप उपहार भी प्रदान किया। इस दौरान छात्राएं जिलाधिकारी को अपने बीच पाकर बेहद खुश नजर आईं। इस अवसर पर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने छात्राओं से कहा, खूब पढ़ें, आगे बढ़ें, आकाश छुएं, यही उनकी प्रार्थना और कामना है। उन्होंने ये भी कहा कि रक्षाबंधन भाइयों के लिए बहनों के प्यार और स्नेह की अभिव्यक्ति है और उनके बीच अटूट बंधन को दोहराने का अवसर है। रक्षाबंधन का त्यौहार सहज प्रेम और पारस्परिकता का प्रतीक है। यह लोगों को और करीब लाता है। मेरी कामना है कि भाई और बहन के आपसी विश्वास का ये पर्व हमारे समाज में महिलाओं के लिए सद्भाव और सम्मान को प्रोत्साहित करे। श्रावस्ती के जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी की ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर जिलाधिकारी ने छात्राओं के पैर छूकर आशीर्वाद दिए। ऐसे जिलाधिकारी की प्रदेश के हर जिले में जरूरत है, जिससे प्रदेश का विकास हो सके। श्रावस्ती जनपद में ऐसे सहज, मृदुल व मिलनसार जिलाधिकारी को पाकर श्रावस्ती की जनता धन्य है। लगातार श्रावस्ती की जनता जिलाधिकारी के कार्यों का लगातार बखान करते हुए नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद का एक पूरा मामला है, जहां पर जिलाधिकारी को स्कूली छात्राओं ने राखी बांधी और जिलाधिकारी ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उपहार भी छात्राओं को दिए, साथ ही पैर छूकर आशीर्वाद लिया। श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय भिंगा जिलाधिकारी कक्ष की तस्वीर है, जहां पर जनता दर्शन के दौरान छात्राएं पहुंची और बारी बारी से जिलाधिकारी के कलाई राखी बांधी, साथ ही मिठाई भी खिलाई।